नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बच्चों, वो रहेगी माइग्रेशन यानी प्रवास के ऊपर। आखिर ये प्रवास है क्या, उसके कारण क्या है, प्रवास का प्रभाव क्या रहता है मानव पे, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो आज की वीडियो में जानी जाएंगी। और हाँ, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्यों? क्योंकि बहुत बार और अलग अलग एग्जाम्स में माइग्रेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आज की क्लास में क्लियर करने की कोशिश करी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि आखिरकार माइग्रेशन होता क्या है, प्रवास का मतलब क्या होता है। देखिए, कई बार मैंने ये क्वेश्चन लोगों से पूछा है तो उनका यही जवाब होता है कि किसी जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। पर बच्चों, एक्चुअल में प्रवास की डेफिनेशन ये है नहीं। इसके अंदर हम किसी व्यक्ति या किसी हम सामान दोनों का ही एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ व्यक्तियों का ही प्रवास हो रहा है, बल्कि व्यक्तियों के साथ वो लोग अपने साथ बहुत सारी क्या ले जाते हैं, सामान को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको भी हम प्रवास की श्रेणी में शामिल करेंगे। तो डेफिनेशन जो हो जाती है, द पॉपुलेशन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू ओरिजिन, सॉरी फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज कॉल्ड माइग्रेशन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका ओरिजिन प्लेस है, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन क्या करती है, रहती है। अब वो पॉपुलेशन यहाँ जाती है माइग्रेट करके, तो ये क्या हो जाएगा, आगमन क्षेत्र, और ये क्या हो जाएगा, गंतव्य क्षेत्र। यानी यहां से पॉपुलेशन गई यहां पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे। अब माइग्रेशन से क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, तो बच्चों सबसे पहला चेंज आता है चेंज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ पीपल इधर टेम्पररी और परमानेंटली। देखिए, प्रवास हमेशा दो तरीके का होगा, या तो वो होगा अल्पकालिक यानी छोटे टाइम के लिए। मान लीजिए कि कुछ बच्चे जो है वो एजुकेशन लेने के लिए दिल्ली गए और जब वहां से उन्होंने पढ़ाई कर ली तो वो अपने गांव वापस आ गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अस्थाई प्रवास कहेंगे यानी टेम्पररी माइग्रेशन कहेंगे। वही बात करते हैं परमानेंटली माइग्रेशन। परमानेंटली माइग्रेशन का मतलब ये होता है जब पॉपुलेशन एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाए। मान लीजिए कुछ फैमिलीज हैं, वहां पर कोई साइक्लोन आया, कोई भी डिजास्टर आया, तो वो क्या हो जाएंगे, वहां से अपना प्रवास छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाके बस जाएंगे और वो परमानेंटली वहीं पे अगर रहना शुरू कर देंगे और वो अपने घर वापस कभी नहीं जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट प्रवास कहेंगे। ठीक है, तो ह्यूमंस आर इमोशनल एनिमल, जनरली दे आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर मदरलैंड, हाउएवर मिलियन ऑफ पीपल माइग्रेट डेली इन सर्च फॉर अ बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी। देखिए, मनुष्य एक भावुक प्राणी है, यानी देखिए मनुष्य के अंदर भावनाएं होती हैं। भावना सबसे पहले ये होती है कि अगर मैं इंडिया के अंदर भी किसी एक व्यक्ति से पूछता हूँ कि आपका होम टाउन क्या है, तो वो अपना होम टाउन या तो बिहार बताएगा, या तो उत्तर प्रदेश बताएगा, या तो महाराष्ट्र बताएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भावना जो है वो कहाँ, उस राज्य से जुड़ी हुई है, उसका अटैचमेंट जो है वो उस राज्य से जुड़ा हुआ है, जिसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है। अब माइग्रेशन मजबूरी की वजह से लोग करते हैं, क्यों भाई? पहला रीजन तो है जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब्स के लिए इंडिया में सबसे ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोग इसीलिए आते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, अगला है कि टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, तो बच्चों बहुत सारे माइग्रेशन होते हैं। जिसमें हम परमानेंट माइग्रेशन की बात करें, स्थायी माइग्रेशन, तो स्थायी यानी परमानेंट माइग्रेशन वो माइग्रेशन होता है जब हम किसी दूसरे स्थान पे हमेशा के लिए जाके बस जाते हैं और कभी भी अपने बर्थ प्लेस पे या अपने होम टाउन पे वापस नहीं आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट माइग्रेशन कहते हैं। टेम्पररी माइग्रेशन वो माइग्रेशन होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी थोड़े टाइम के लिए हम क्या पता एजुकेशन लेने के लिए किसी शहर में चले गए, या फिर हम वहां पर थोड़े दिनों के लिए जॉब के लिए चले गए फिर अपने वहां पर आ गए, तो हम क्या करते हैं, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो वतन है उसको छोड़ के किसी दूसरी जगह पर जाके बस जाते हैं। फिर होता है सीजनल माइग्रेशन। देखो, मौसम माइग्रेशन का सीधा सा जो यहाँ मतलब है वो है ट्रांसह्यूमन से। अब बच्चों, ट्रांसह्यूमन होता क्या है, बेसिकली माउंटेन की अगर हम बात करते हैं, तो जब ठंड आती है तो भाई माउंटेन के
टॉप वाले एरिया पर तो ठंड पड़ जाएगी, तो वहां के जो लोग होंगे वो क्या आ जाएंगे, फुटपाथ पे यानी फुट हिल्स के ऊपर आ जाएंगे, यानी प्लेन एरिया की तरफ क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। और जैसे ही गर्मी बढ़ी वैसे ही ये लोग वापिस माउंटेन्स के टॉप वाले एरियाज पे मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये होता है सीजनल माइग्रेशन, जिसको हम ट्रांस ह्यूमन कहते हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, अगर उत्तराखंड में, तो वहां पर गुज्जर, बकरवाल, ये ऐसी ट्राइब्स हैं जो ट्रांस ह्यूमन है, जो सीजनल माइग्रेशन करती हैं। फिर माइग्रेशन आता है रूरल टू अर्बन, ये बहुत ही स्पेशल और सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाने वाला माइग्रेशन है। लोग गांव से शहर में क्यों जाते हैं, पहला जॉब के लिए, दूसरा एजुकेशन के लिए, और तीसरा हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है जॉब पर्पसेस के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। फिर हम बात करते हैं अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। देखिए, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन बेसिकली टेम्पररी माइग्रेशन होता है। लाइक मैं सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूँ, ये हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली के आसपास जो एनसीआर रीजन है, एनसीआर के अंदर आपका नोएडा आ जाता है और आपका गुड़गांव आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों एरिया में क्या होता है, दिल्ली से लोग सुबह जॉब के लिए यहाँ जाते हैं और शाम को वापिस आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेम्पररी माइग्रेशन कहेंगे अर्बन टू अर्बन एरियाज में। क्लियर। वही बात करते हैं हम रूरल टू रूरल एरियाज में, तो रूरल टू रूरल एरियाज में माइग्रेशन बेसिकली इस वाली कैटेगरी में माइग्रेशन सबसे ज्यादा वुमेन्स का देखने को मिलता है। अब महिलाएं ही क्यों बच्चों, महिलाओं का इसलिए देखने को मिलता है कि जब एक गांव की लड़की की शादी किसी दूसरे गांव के व्यक्ति के साथ होती है, तो वो क्या करेगी भाई, अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में ही तो जाएगी, तो उसी को हम रूरल टू रूरल माइग्रेशन के अंदर डालते हैं। तो ये आपको दिमाग में डाल लेनी है बात, कि रूरल टू रूरल माइग्रेशन मोस्टली वुमेन्स का होता है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं अर्बन टू रूरल। अब भाई रूरल टू अर्बन तो समझ में आता है, अर्बन टू रूरल समझ में नहीं आता है, तो वंस अगेन हम कॉन्सेप्ट की ओर समझते हैं। देखिए, जब कोई आदमी रिटायर हो जाता है, जॉब मतलब उसकी जॉब लाइफ जो हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो अर्बन यानी जो नगर की लाइफ है उससे दूर जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, रूरल एरिया में जाके एक शांत जगह पर अपना घर बचाएगा और अपनी बाकी जिंदगी को वहां पर व्यतीत करेगा। तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगा आपका, वो ओल्ड पॉपुलेशन को देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटरनल माइग्रेशन। सबसे ज्यादा इंटरनल माइग्रेशन का, देखिए सबसे पहले हम समझना होता है इंटरनल माइग्रेशन होता क्या है। तो माना ये हमारा इंडिया हो गया, तो एक ही देश के अंदर मान लिया कोई यहां से यहां जाके चला बस गया, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, तो ये इंटरनल माइग्रेशन है। मतलब आप अपने देश के अंदर ही दूसरी जगह पर जाके क्या कर रहे हो, शिफ्ट हो रहे हैं, रहना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले तो हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इंटरनल माइग्रेशन को भी मैं दो कैटेगरी में बांट सकता हूं। पहला होता है इंट्रा स्टेट, यानी एक राज्य के अंदर ही आपको माइग्रेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रा स्टेट। मान लिया ये यूपी है, यूपी का आदमी यूपी में ही माइग्रेट करके किसी दूसरे जिले में या किसी दूसरे शहर में जाके बस गया, तो ये इंट्रा स्टेट हो गया। इसका दूसरा होता है इंटर स्टेट, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यानी यूपी को छोड़ के कोई बिहार चला गया, बिहार को छोड़ के कोई मध्य प्रदेश चला गया, तो इंटर स्टेट में दो स्टेट में माइग्रेशन होता है। अब वहीं हम एक्सटर्नल को भी दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक होता है विद इन कंट्री, यानी इंट्रा कंट्री, यानी एक कंट्री के अंदर जब माइग्रेशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा कंट्री माइग्रेशन के नाम से जानेंगे, अंतरदेशीय माइग्रेशन। उसके बाद आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल माइग्रेशन का चलन जो है बच्चों, वो आज के टाइम पे ज्यादा देखा जा रहा है। इंटरनेशनल माइग्रेशन ज्यादातर पढ़े लिखे लोग करते हैं, क्यों, क्योंकि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब मान लिया कि कोई कोई बंदा आईआईटी से पास आउट है इंडिया में, वो क्या करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अमेरिका में जाएगा, ब्रिटेन में जाएगा, फ्रांस में जाएगा, जर्मनी में जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहेंगे। क्लियर। अब आता है कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। भाई आखिरकार क्या कारण होते हैं कि आपको पलायन करना पड़ रहा है, आपको माइग्रेट करना पड़ रहा है, कुछ तो कारण होंगे ना, तो चलिए कारणों को समझते हैं।
पहला है द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन इज अनइक्वल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ओवर अ ज्योग्राफिकल एरिया। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो जम्मू कश्मीर में रहता है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में क्या है, हर जगह पर क्या है, इक्वल रिसोर्स नहीं है। मान लिया डल लेक के पास भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग डल लेक के आसपास ही रहना शुरू कर देंगे। तो डेवलप, अब वहां पर पूरे जम्मू कश्मीर में इक्वल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। जिस जगह पे हुआ है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, यानी हर किसी को जॉब भी बड़ा मुश्किल है पाना। तो वो क्या करेंगे, किसी दूसरे जगह, यानी कुछ लोग दिल्ली भाग जाएंगे, कुछ मुंबई चले जाएंगे, कुछ गुजरात चले जाएंगे। तो क्या होगा, इसी से माइग्रेशन, यानी उन्हें फोर्सफुली माइग्रेशन करना पड़ रहा है। भाई फोर्स क्यों, भाई उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। जॉब क्यों चाहिए भाई, उनको अपने परिवार का लालन पालन करना है ना। अब भाई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कहेंगे तो भाई दो रीजन होते हैं। पहला, किसी एक स्टेट के अंदर इक्वल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। कोई एरिया है जहां ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो वहां पर भाई पॉपुलेशन ज्यादा डेंसिटी होगी, तो वहां और पॉपुलेशन तो जा नहीं सकती है। तो वो क्या करेगी, वहां से किसी और जगह पर जाएगी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। अब ये सारी चीज होगी एक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। अब ज्योग्राफिकल एरिया समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए। ये हमारा इंडिया है, तो जो हमारी ये बाउंड्री है, ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री यानी भौगोलिक बाउंड्री है। भौगोलिक बाउंड्री यानी भौगोलिक सीमाएं वे सीमाएं होती हैं जो किसी प्राकृतिक तत्व द्वारा बनाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं, वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट, नॉर्थ में हिमालय, वेस्ट में डेजर्ट, तो ये हमारी क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया है, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है हमारी, ठीक है। अब पहला होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर का मतलब होता है, पुल मतलब बच्चों क्या होता है, खींचना किसी चीज को। यानी मान लीजिए पीपल आर अट्रैक्टेड बाय पुल फैक्टर, तो पुल फैक्टर वहां पर होंगे जहां पर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी। भाई जहां पर उनको ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखेगी तो वो वहीं जाएंगे। यानी वो क्या कर रहा है, अपने और खींच रहा है। मान लीजिए कि ये एक प्लेस है पुल वाला, अब ये पुल वाला है तो ये क्या करेगा, यहां से लोग यहां आना शुरू करेंगे चारों तरफ से। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर क्या क्या है, एक तो बेटर जॉब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, दूसरा यहां जॉब्स अवेलेबल है, लिविंग कंडीशंस भी अच्छी हैं। भाई भाई जीवन, भाई हर किसी को अच्छा जीवन चाहिए, पॉपुलेशन ना हो, पॉल्यूशन भी कम हो वहां पर, वो चीज चाहिए, पीस एंड स्टेबिलिटी। हर आदमी वहां रहना चाहेगा जहां दो धर्मों में या दो जाति में कहीं पे लड़ाई ना हो रही हो। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लोग वहां पर ज्यादा जाना चाहेंगे जहां लाइफ की सिक्योरिटी है। कोई अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहता, ठीक है, क्योंकि वहां लाइफ की सिक्योरिटी है ही नहीं। प्लेसेंट क्लाइमेट, हर आदमी चाहता है कि मैं पहाड़ों में रहूं, जम्मू कश्मीर में मेरा घर हो। क्यों, क्योंकि वहां का क्लाइमेट बड़ा अच्छा है। बेटर लाइफ, हर किसी को एक बेटर लाइफ चाहिए, तो वो बेटर लाइफ के लिए क्या करेगा, पुल फैक्टर है। अब एक एरिया है वहां पर बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी है, तो लोग वहां पर खींचे चले जाएंगे, अपनी ओर वो आकर्षित करेगा। फिर आता है बेटर सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर क्या आता है बच्चों, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ सर्विसेज। अब देखो दिल्ली में लोग क्यों आते हैं, अब यूपी में, बिहार में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा इलाज नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, बिहार यूपी से दिल्ली आएंगे ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा उपचार मिल सके, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे पुल फैक्टर है, यानी अपनी ओर खींचने वाले फैक्टर है। अब भाई जब पुल फैक्टर है तो पुश फैक्टर भी होंगे, तो चलिए पुश फैक्टर के बारे में जानते हैं। अब पुश फैक्टर वो होते हैं जो लोगों को पुश करते हैं कि आप ये जगह छोड़ के जाओ, ठीक है। ये हो गया आपका पुश फैक्टर, यहां से लोग भागते हैं। अब क्यों भागते हैं, पहला क्या पता वहां सूखा पड़ता हो, क्या पता वहां हर साल बाढ़ आती हो, नेचुरल कैलामिटीज, क्या पता। अब जापान, अब देखो कुछ जगह ऐसी होती है जहां कभी तूफान आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो लोग वहां क्यों रहेंगे भाई, नहीं रह सकते। थ्रेट ऑफ लाइफ, अब अफगानिस्तान में देखो, जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया तो लोग सारे क्या हो गया, जहाजों में लटक लटक के जा रहे थे, जबकि उनको पता था कि ये सबसे बड़ा रिस्क है। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जान को खतरा है, तो माइग्रेशन किया ना फोर्सफुली। फिर आता है गरीबी, कोई भी व्यक्ति गरीबी में नहीं जीना चाहता है बच्चों। जिस एरिया में आपको लगेगा कि मैं यहाँ रह के हमेशा ही गरीब रहूंगा, वो आदमी वो जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पर जाके अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। अब पुश फैक्टर ये भी है कि वहां जॉब्स नहीं है। अब भाई बिहार से आदमी मजबूरी से ही तो आएगा, यूपी से आदमी मजबूरी से ही तो आएगा, झारखंड से आदमी मजबूरी से तो आएगा, क्योंकि वहां जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है, मेट्रो सिटीज में, तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। वॉर, सिविल वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, अब लोगों में अगर रोज लड़ाइयां हों,
रोज हमारे देश में अगर धर्मों में लड़ाइयां शुरू हो जाए तो कोई वहां रहना चाहेगा? नहीं। ऐसा ही आपका अफगानिस्तान में है, वहां रोज वॉर हो जाती है, कहीं जंग हो जाती है। पाकिस्तान में देखो कभी भी बम फूट जाता है तो लोग क्या होते हैं, भागते हैं। टेररिज्म, जहां जब सबसे ज्यादा आतंकवाद होगा वहां कोई रहना नहीं चाहेगा। पुअर लिविंग कंडीशंस, अरे भाई आपके जीने की ना अच्छी एजुकेशन है, ना अच्छे हॉस्पिटल्स है, आप क्यों रहोगे? भागोगे ना किसी दूसरी जगह पर, माइग्रेशन तो करोगे ना। फिर आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो राजनीति किसी जगह की अस्थिरता है, लोग वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता आएगा वो क्या करेगा, तुरंत आएगा, तुरंत कानून बदल देगा। वो कानून कुछ लोगों के लिए फायदेमंद होगा पर बहुत सारे लोगों के लिए उससे नुकसान ही होगा, इसलिए भी माइग्रेशन करते हैं लोग। फिर होता है हार्श क्लाइमेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेस्ट के चोटी पे जाके रह लो तो नहीं रह पाओगे ना, तो आप क्या करोगे, एक प्लेजेंट क्लाइमेट में रहना चाहोगे, एक अच्छे क्लाइमेट पर अपना जीवन बिताना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, माइग्रेशन, प्रवास करोगे आप। फिर होता है नेचुरल डिजास्टर। अब सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए टर्की में 7.8 रिक्टर स्केल का क्या आया, अर्थक्वेक आया, लाखों लोगों ने माइग्रेशन किया, समझ सकते हैं। कुछ ने तो परमानेंट किया और कुछ ने टेम्पररी किया, पर माइग्रेशन तो हुआ ना, कोई भी ऐसी जगह पर रहना नहीं चाहता है। फिर होता है एपिडेमिक, क्या पता कोई नहीं। अब देखिए चाइना में क्या हुआ, महामारी आई, महामारी आने से लाखों लोगों ने माइग्रेशन किया क्योंकि वो लोग अपने आप को वहां सेफ फील नहीं करते हैं। फिर आता है सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। देखो गांव में आदमी गरीब है तो बाय चॉइस है, अगर वो वहीं रहेगा तो वो पुअर रहेगा, बट अगर वो अपनी सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को पीछे हटाना चाहता है तो वो माइग्रेट करके एक अच्छे शहर में जाएगा, वहां पर एक अच्छी जॉब लेगा और अपने जीवन को क्या करेगा, सुधारेगा। आई होप, आई थिंक ये दोनों फैक्टर्स आपको क्लियर होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी आखिरकार माइग्रेट, देखो एक जगह की पॉपुलेशन दूसरी जगह जा रही है तो उसके कुछ प्रभाव होते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर आपको बुरे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। माइग्रेशन हैपेंस इन रिस्पॉन्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी जगह नहीं है तो माइग्रेशन होगा, रिसोर्स नहीं है तो भी माइग्रेशन होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो भी माइग्रेशन होगा, अभी हमने समझा, एनवायरमेंटल कोई डिजास्टर आ रहा है तो भी माइग्रेशन होगा, और सोशल बैकवर्डनेस तो माइग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। कोई भी गांव में अगर लोअर कास्ट का आदमी, उसके साथ अगर आप भेदभाव करेगा तो वो कब तक झेलेगा, एट द एंड तो भाग के जाएगा ना कहीं, यानी माइग्रेशन करेगा। अब आते हैं एग्जाम्पल, सिटी एंड विलेज बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम माइग्रेशन बिकॉज दे गेट्स चीप लेबर फ्रॉम विलेज एंड विलेज गेट्स कैपिटल फ्रॉम लेबर। अब शहर को और गांव को, दोनों को माइग्रेशन से फायदा होता है। कैसे? गांव से जब कोई व्यक्ति शहर में जाता है तो शहर में क्या होगा, सस्ती लेबर मिल जाएगी शहर में काम करवाने वालों को। अब वो सस्ती लेबर जब काम करेगी तो वो पैसा कहाँ अपने गांव में घर वालों के लिए भेजेगा, तो गांव में क्या होगा, पैसे की मूवमेंट होगी, यानी कैपिटल एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाना शुरू करेगी, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। एट द सेम टाइम एक्सेस माइग्रेशन इन सिटी क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम सच एज इंक्रीज इन क्राइम रेट। तो भाई अब हद से जाता है, देखो कोई भी चीज है बच्चों वो एक लिमिट में ठीक रहती है, अगर आप उस लिमिट को तोड़ते हो, मान लिया कि ये लिमिट है, अब माइग्रेशन इस लिमिट तक तो मैं झेल लूंगा, भाई क्यों, उसको भी समझते हैं। अब एक शहर है, उस शहर का एक अपना एरिया होता है, उस एरिया में जब मान लिया 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख लोगों को एमसीडी वाटर की अवेलेबिलिटी आसानी से करा देता है। अब माइग्रेशन की वजह से वो पॉपुलेशन हो गई 20 लाख और पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, 10 लाख की, तो कमी आनी शुरू हो गई, बिल्कुल, यानी माइग्रेशन के नुकसान अब क्या हो गए, बढ़ने शुरू हो गए। पहला, क्राइम रेट बढ़ेगा। अब क्राइम रेट कैसे बढ़ेगा, देखिए जब गांव से आदमी शहर आता है तो उनके पास घर नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्लम्स बनाना शुरू कर देते हैं। स्लम्स भी कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, रेलवे ट्रैक के पास। स्लम्स बढ़ाएंगे तो स्लम्स के अंदर क्राइम रेट, चोरी चकारी मर्डर, ये सारी चीजें होती हैं। स्लम एरिया बढ़ेगा जिससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। स्केयरसिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, मैंने अभी आपको बताया पानी कुछ लिमिटेड लोगों के लिए है तो लैक ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी पानी की कमी हो जाएगी, खाने की भी कमी हो जाएगी बच्चों, बहुत सारी चीजों की कमी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउस, रहने के लिए घर नहीं होगा तो लोग झुग्गी में रहेंगे, गंदे एनवायरमेंट में रहेंगे, बीमार होंगे, बीमार होंगे तो हॉस्पिटल के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ये भी एक समस्या है। तो हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, एमसीटी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, एट द एंड तो नेगेटिव पॉइंट शुरू हो गए ना, यानी पॉजिटिव पॉइंट एक और नेगेटिव पॉइंट्स हजार माइग्रेशन के। ठीक है, तो अब कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो बच्चों इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, डेमोग्राफिक भी होंगे, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और एनवायरमेंट यानी आर्थिक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे।
जनसांख्यिकीय परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम तो आपको देखने को ही मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहला, सोर्स रीजन गेट रेमिटेंस, इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंस इन वर्ल्ड, केरला पंजाब एंड तमिलनाडु रिसीव अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। तो स्रोत क्षेत्र प्रेषण, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस वाला कंट्री है, और सबसे ज्यादा रेमिटेंस आपको कौन से राज्यों में देखने को मिलता है? केरला में, पंजाब में, तमिलनाडु में, यानी फॉरेन कंट्रीज से ज्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज से ज्यादातर कंपनियां यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां या यहाँ पर अपनी कंपनीज लगाना ज्यादा प्रेफर समझती है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ के एमसीडी पे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ के लैंड पे प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। फिर आता है डेस्टिनेशन रीजन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम चीप लेबर। अब देखो दो तरीके की चीजें होती है, पहला फैक्ट्रीज आ रही है, प्रेशर तो बढ़ रहा है, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे वहाँ के लोगों को मिलेंगी, यानी इकोनॉमी में आपका फायदा भी हो रहा है, क्योंकि वो टैक्स देंगे तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भी जाएगा, लेबर्स को जॉब मिल गई, अब उन कंपनीज को सस्ती लेबर मिल गई, यानी दोनों तरफ से, यानी दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, फिर आता है इन रेगुलेटेड माइग्रेशन टू मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया क्रिएटेड ओवर क्राउडिंग। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है बच्चों की, मेट्रो सिटीज में क्या हो रहा है, आपका माइग्रेशन एक लिमिट से जब ज्यादा हो जाता है तो ओवर क्राउडिंग, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 11,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेशर दिल्ली के ऊपर है और दिल्ली के लैंड के ऊपर है। ठीक है, अब आता है द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन कैन बी सीन इन स्लम एरिया दैट इज डेवलप्ड इन मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई एंड दिल्ली। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है इन शहरों के ऊपर वो होता है स्लम्स का निर्माण, यानी झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण जो मुंबई और दिल्ली में देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, क्राइम रेट बढ़ेगा, बेसिक एमिनिटीज कम होंगी, हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, स्कूल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, एट द एंड एमसीडी को बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिक एमिनिटीज पर करना पड़ेगा, और वो जो हमारी सड़कों का निर्माण है, सीवर को बिछाना है, इनके ऊपर क्या हो जाएगा, खर्चा कम करेंगे वो, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय परिणाम, यानी पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। देखिए अब मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पॉपुलेशन गई, तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी और यहाँ क्या होगी, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हैपेंस थ्रू माइग्रेशन, तो जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, एक जगह पर नेगेटिव पॉपुलेशन हो जाएगी और दूसरी जगह पर पॉजिटिव हो जाएगी। रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर एडवर्सली अफेक्टेड बाय सेलेक्टिव एज एंड स्किल माइग्रेशन। अब देखो रूरल एरिया की प्रॉब्लम क्या है, देखो रूरल एरिया में जो स्किल्ड पॉपुलेशन होगी, जो यूथ पॉपुलेशन होगी, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए शहरों में भाग जाएगी, तो भाई रूरल एरिया में क्या हो जाएगा, वो पॉपुलेशन बनेगी, बचेगी जो किसी भी काम की नहीं होगी, जिससे रूरल एरिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डेमोग्राफी भी जो क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों बहुत ज्यादा है। पहला कि सोशल चेंज हैपेंस थ्रू माइग्रेशन, फॉर एग्जांपल आर्यन कल्चर केम टू इंडिया थ्रू आर्यन माइग्रेशन, तो जो आर्यन कल्चर था वो इंडिया में आर्यन लोगों के माइग्रेशन की वजह से ही आया है ना, वरना हमारे यहाँ तो कोई आर्यन कल्चर था नहीं। न्यू आइडियाज, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि नए विचार हमारे देश में आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए परिवार के जो मूल्य होते हैं वो आते हैं। अब हमारी यहाँ पर महिलाओं की जो कंडीशंस है वो भी क्यों ठीक हो पा रही है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर में देख पा रहे हैं कि वुमेन्स को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अब हम इंडिया में भी देना शुरू कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, पॉजिटिव चेंजेस प्रदान करता है माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन लीड्स इंटरमिक्सिंग ऑफ एथनिसिटी रेस कास्ट रिलीजन कल्चर एंड लैंग्वेज। अब माइग्रेशन की वजह से आज हम अगर दिल्ली शहर में रहते हैं तो मैं किसी से उसकी कास्ट नहीं पूछता, कि मैं उससे उसका धर्म नहीं पूछता, मैं उससे रेस नहीं पूछता, मैं उससे उसका कल्चर नहीं पूछता, लैंग्वेज नहीं पूछता, क्यों, क्योंकि हम क्या है, हम भारत है, विविधताओं में सबसे बड़ा जो देश है हम है, तो हम विविधता में जीना सीख रहे हैं, ये एक सोशल चेंज है जिसकी वजह से हम लोगों में भेदभाव करना क्या है बिल्कुल ही छोड़ दिया है, हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के, अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो माइग्रेशन में क्रिएट इंटॉलरेंस एंड ग्रोथ ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, कुछ ऐसे लोग किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो एंटी सोशल एक्टिविटीज करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे हंगामे उस शहर में देखने को मिल सकते हैं, तो ये एक
बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली ये आपको ज्यादातर मेट्रो सिटीज में देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस यानी पर्यावरणीय परिणाम। पहला होता है ओवर क्राउडिंग की वजह से हाउसिंग की समस्या आएगी, यानी घरों की कमी होगी, पानी की कमी होगी, लैंड की कमी होगी। आज इंडिया में जितने भी मेट्रो सिटीज है वहां पर घर की कमी, पानी की कमी और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत ही भयानक समस्या लाके खड़ी कर सकता है। और अगर आज हमने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया तो हमें बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव इसके देखने को मिल सकते हैं। प्रभाव में क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी तो हमारे पास इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है कि हम हर किसी को फ्री में जो है इलाज उपलब्ध करा सके। आपने कोविड के टाइम पे देखा, लाखों जाने गई जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या पता है क्या थी बच्चों, पॉपुलेशन। अगर हमारी पॉपुलेशन भी अमेरिका की तरह कम होती तो शायद हम भी कोरोना को बहुत अच्छे से डील कर पाते, और शायद इंडिया ने किया भी। इंडिया से बेटर किसी ने कोविड को अच्छे से डील नहीं किया। उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। भाई जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, उसकी कमी हो रही है। अभी हमने क्या पाया, मान लीजिए दिल्ली शहर है, उसके नीचे का ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जमीन धंसना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपने उत्तराखंड में देखा, जब घरों में दरारें पड़ गई, क्यों, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल ही कम हो गया है। ग्राउंड वाटर कम हो जाने की वजह से नीचे एक केव बन गई है। अब जब ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो वो धंसना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ही तो नुकसान देखने हैं। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और काफी इंटरेस्टिंग भी थी मेरे हिसाब से तो। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। बाय गाइस।